लोकसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने तैयारी तेज कर दी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नई टीम का ऐलान कर दिया है। इस लिस्ट में 13 उपाध्यक्ष और 8 महासचिव बनाए गए हैं। मिशन 2024 के लिए जुटी बीजेपी ने संगठन में बड़ा बदलाव किया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की नई टीम में 8 राष्ट्रीय महासचिव 13 उपाध्यक्षों के नाम तय किए गए हैं। नई लिस्ट में कई नए चेहरों का प्रमोशन किया गया है। नई टीम में वसुंधरा राजे, रमन सिंह और कैलाश विजयवर्गीय समेत 38 नेताओं को जगह मिली है। इस लिस्ट में कांग्रेस से बीजेपी में आए अनिल एंटनी को भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। अनिल पूर्व रक्षा मंत्री एके एंटनी के बेटे हैं। बीजेपी ने उन्हें राष्ट्रीय सचिव बनाया है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह, सांसद सरोज पांडे, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, झारखंड के रघुवर दास, मध्य प्रदेश से सौदान सिंह, उत्तर प्रदेश से सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी, सांसद रेखा वर्मा और विधान परिषद सदस्य तारिक मंसूर और ओडिशा से बैजयंत पांडा को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं अरुण सिंह, कैलाश विजयवर्गीय समेत 8 नेताओं को महासचिव बनाया गया है।